हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुद्धाज फैशन। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम ये ट्राउज़र के बॉटम पर डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने ट्राउज़र ये कट करके तैयार कर रखा है और इसका बॉटम हम तैयार करने वाले हैं। इसका अगर आप फुल कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने इसी की डाली हुई थी। तो ये देखिए, नीचे का जो है ये 1.5 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ हम इस तरह से ये मार्क कर रहे हैं, इस तरह से सब में मार्क कर ले। तो ये हमारा नीचे का पोर्शन हो गया, बैक जो हमारा इस तरह से बैक में फोल्ड हो जाएगा बाद में। तो इसे छोड़कर जितना भी आपने रखा हुआ है बैक में फोल्ड करने के लिए, हम 6 इंच पे इस तरह से एक मार्क ले लेंगे, इस तरह से। और इस हिस्से के हम 3 हिस्से करेंगे, यानी कि 2-2 इंचेस पे इस तरह से मार्क ले लेंगे। तो सेम हम पूरे अपने बॉटम पार्ट पर इस तरह से मार्किंग ले लेंगे और उसके बाद इस तरह से इसे स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे, इस तरह से। तो ऐसे ही हम पूरा यहाँ तक कर लेंगे। उसके बाद इसमें हमें एक्स्ट्रा ये 2 पट्टियाँ चाहिए। देखिए, ये मैंने नियर अबाउट 6 इंचेस काटी थी और उसे मैंने रॉन्ग साइड में 1/4 यानी 1/4 इंच के आसपास इस तरह से फोल्ड कर दिया है ये रॉन्ग साइड में। तो ये लगभग 5.5-6 इंच के आसपास बचा है हमारे पास। और सेम साइज़ का मैंने यहाँ ये इसी कलर का ये नेट लिया हुआ है। तो ये नेट मैंने, ये देखिए, जो इसकी लेंथ है वो सेम है 6 इंचेस और जो इसकी चौड़ाई है वो आपके जो ये पाइचा है इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये नेट का, आप देखिए, ये देख रहे होंगे, डबल लिया हुआ है, ये देखिए, ताकि थोड़ी सी सपोर्ट मिले, थोड़ा इसमें स्ट्रेंथ मिले। सिंगल नेट यूज़ करने पे हो सकता है कि ये सपोर्ट ना मिले और थोड़ा सा लूज सा दिखाई दे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा डबल लेयर यूज़ कर रही हूँ। और एक ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, अगर आप नेट यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेट की जगह पर एक कंट्रास्ट कलर का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये मार्किंग करी है, ये देखिए, 2-2 इंचेस पर इस तरह से, तो नीचे वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें स्टार्टिंग में हम लगभग 1/2 इंच छोड़ेंगे और उसके बाद से, ये देखिए, एक तरीका और इजी तरीका मैं देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो ये मिडिल पार्ट है, ये हम देखते हैं कितना है, ये 6 इंचेस है। तो इसे हम 3 जगह डिवाइड कर लेते हैं, 1.5-1.5 इंच का गैप रख रहे हैं हम, ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से मैंने 3 लाइंस बना लिए हैं। और इसी तरह से हम इधर भी, और ये वाली जो लाइन है हमारी, 1 छोड़कर 2nd एंड 3rd और 4th हम छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम इसे डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा ये पोर्शन है इसे हम 1 इंच का इस तरह से कर लेंगे, यानी 2 इंच वाले पार्ट को हमने 1 इंच में डिवाइड कर दिया है और इस तरह से लाइन खींच ली है। अब हम अपनी डिज़ाइन इस पर बना रहे हैं। ये मैं आपको एक पार्ट का दिखा रही हूँ, आप बाकी के सारे पार्ट्स में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो ये देखिए, जो हमने मिड पार्ट लिया है मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। हमें इस जो हमने 1 इंच का लिया हुआ है ये हमारा सेंटर रहेगा और इस तरह से फ्री हैंड, आप चाहें तो फ्री हैंड इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमें इसमें कर्विंग देनी है, ये देखिए। और आप चाहें तो कोई राउंड चीज़ रखकर उससे भी कर सकते हैं। और यहाँ से हमने जो ये 1/2 इंच मार्क लिया था तो ये हम 1/2 सेंटर बना देंगे इस तरह से। तो जैसे हमने ये तैयार किया है, हम ये पूरे ट्राउज़र में अपना सेम डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैंने डिज़ाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिया है और आप देख रहे होंगे ये मैंने रॉन्ग साइड में बनाया है। ये मैंने आपको सीधे साइड बता दिया था, पर स्टिचिंग के टाइम पर हमें इतना दिख नहीं रहा था इस कपड़े पर,
तो इसीलिए मैंने ये रॉन्ग साइड में इस तरह से बना लिया है। और अब हमें जो ये पट्टी दी थी, एक्स्ट्रा पट्टी दी थी, इसे हम इस तरह से इसके नीचे रख रहे हैं, ये रखिए इस तरीके से, और इसे अच्छे से सेट करें कि हमारा जो इस एक्स्ट्रा फोल्डिंग वाला कपड़ा है वो इस कपड़े से इस तरह से बाहर है। ये अंदर हो गया कपड़ा, और ये जो फोल्डिंग वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमें बाहर रखना है। और देखिए मैं इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ था कि थोड़ा बहुत खिसकेगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से रखेंगे आप चाहें, तो ये देखिए जैसे ये पिंस होती हैं हम इस तरह से एक बार लगा लेंगे तो थोड़ा बहुत जो कपड़ा इधर उधर होना है वो भी नहीं होगा। इस तरह से इसे पहले सेट कर लें, देखिए इतना होना चाहिए जो हमारा फोल्डिंग वाला एरिया है ये एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से हम लगा लेंगे। और जो इधर वाला हिस्सा है इधर भी एक लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने कपड़ा सेट कर लिया, इसे अब इस तरह से खोलेंगे। अब हम इस पर स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से पहले मैं नीचे के पोर्शन में इस तरह से कर रही हूँ, इसे हम यहाँ से स्टिच देना, जो हमने ये मार्किंग की है हमें स्टिचिंग यहाँ से देनी है। तो देखिए इस तरह से शुरुआत करते हैं और बहुत ही धीरे धीरे मशीन चलानी है, बिल्कुल जैसे जैसे हमने डिज़ाइन बनाया है। देखिए इस तरह से जैसे जैसे हमारे ये शेप घूम रहा है उसी तरह से हमें मशीन अपनी और इसीलिए हमने पेन से सेट किया था। अब हमें कोई डर नहीं है, कपड़ा बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा नीचे से, और इस तरह से हम इसे आप घुमाएंगे और ऊपर लाएंगे। अब आप देखिए बिल्कुल मैंने इसी पर ही इस तरह से स्टिच दी है, और इसी तरह से ये जितने कर्व्स बने हैं तो मैं ये इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी, और जो ये अपोजिट साइड वाले डायरेक्शन के हैं इसी तरह से मैं इसे भी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से मैंने इधर भी और इधर भी ये सारी स्टिच चला ली है। अब हम ये पिंस जो हैं ये हटा देते हैं। अब ये कुछ इस तरह से है। अब हमें एक सीज़र लेनी है और जिस शेप में हमने ये सिलाई चलाई है उस पर हमें लगभग क्वार्टर इंच कपड़ा छोड़ते हुए, देखिए सिलाई यहाँ है और क्वार्टर इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से हमें कटिंग करनी है कपड़े की। मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ निशान, ये देखिए इस शेप में ही कटिंग होगी, पर सिलाई के बाद थोड़ा सा कपड़ा रखना है हमें। पहले मैं ये एक्स्ट्रा हटा देती हूँ इस तरह से, और अब देखिए मैं ये कटिंग स्टार्ट करके दिखा रही हूँ। ये इस तरह से मैंने अब यहाँ ये डीप कट है तो हम इस तरह से ये डीप कट डाल रहे हैं और उसके बाद फिर ये एक्स्ट्रा कपड़ा हटा रहे हैं।
और ये दोनों ही कपड़े हैं, जो पट्टी भी है क्योंकि इसमें अटैच हो चुकी है, तो ये पूरा ही कट करके हमें हटा देना है। यहाँ पर फिर से डीप कट डालेंगे इस तरह से। सिलाई का बहुत ध्यान रखना है, सिलाई कटनी नहीं चाहिए। और इसी तरह से ये क्वार्टर इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम ये और ये इधर भी हम इसी तरह से ये क्वार्टर इंच कपड़ा छोड़ेंगे इस तरह से, और पूरा कट करके ये बीच का पोर्शन हटा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से ये मैंने कट करके हटा दिया और ये हमारे दो पीसेस कुछ इस तरह से तैयार हो गए। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने हटा दिया। तो अब हमें इसमें ये देखिए, ये मैंने छोटा सा कटर लिया हुआ है, जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है क्योंकि यहाँ कर्विंग बहुत है, तो हमें ये पास पास सिलाई को बचाते हुए इस तरह से कट्स डालने हैं हर कर्व में। ये देखिए इस तरह से, और बीच वाला जो है कर्व, ये देखिए यहाँ पर जहाँ है, ये देखिए इस तरह से हमने ये एक्स्ट्रा कट डाल दिया ताकि इजीली पलट जाए। तो इसी तरह से हम अपने सारे कर्व्स में इधर भी और इधर भी कट्स डाल लेंगे। ये सारे कट्स डालने के बाद हमें इस कपड़े को पलटना है, तो जो ये पट्टी है ये हम बैक साइड में लाएंगे, इस तरह से अपना थंब इसमें इंसर्ट करें और इस तरह से निकाल दें। ये देखिए इस तरह से ये इजीली बहुत ही आराम से हो जाता है। और ये देखिए इस तरह से ये मैंने सारे अपने कर्व्स को पलट लिया है इस तरह से। अब आप देख रहे होंगे कि जब हम पलटेंगे तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आपको हल्का सा सिल दिखाई देगी, तो इसको आपको क्या करना है, जो बैक साइड का कपड़ा है वो बैक में रखें और जो फ्रंट का है वो इस तरह से पकड़कर, और जो ये दोनों पोर्शन हैं इसे हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, इससे ये धागा लूज पड़ जाता है और ये देखिए ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखिए मैं एक और करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए जैसे ये है तो ये देख रहे होंगे आप, ये देखिए ये चुन पड़ रही है इसमें, तो आप इस तरह से पकड़ें और दोनों थंब से इसे थोड़ा टाइटली, सिर्फ ट्विस्ट करना है तोड़ना नहीं है, और ये करेंगे और ये देखिए ये बिल्कुल धागा अपने आप लूज़ पड़ जाता है ऐसा करने से। तो आप इसी तरह से इसमें फिनिशिंग ला सकते हैं। ये देखिए तो इस तरह से आप सारे अपना बॉटम पार्ट जो है ये इस तरह से कर ले, और इसी तरह से देखिए ये मैंने ये बिल्कुल फिनिश करके रख लिया है। तो ये और ये बिल्कुल ऐसे ही करके हमें फिनिश करना है। और आप चाहें, जैसे ये कॉटन कपड़ा है तो आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है, और अगर आपको लग रहा है कि कपड़े में फिनिशिंग नहीं है तो आप इस पर आयरन भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे की अपनी तैयारी करते हैं। देखिए जो हमारा ये नेट का पीस था डबल, इसे हमने उसी के बराबर का एक न्यूज़पेपर लिया हुआ है, और इस नेट को मैं इसके ऊपर सेट कर रही हूँ ताकि जब हम इसे अपने जो बॉटम पार्ट है पैंट का उस पर फिक्स करें तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखिए बिल्कुल किनारे पर मैं इस तरह से इसे चारों तरफ से लगाकर और फिक्स कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस पर मैंने ये चारों तरफ इस तरह से सिलाई चला ली है, और आप देख रहे होंगे ये जो मेरा पेपर था, जो नेट है, ये 6 इंचेस का था, तो जैसे हमने उसमें इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो ये मैंने 2-2 इंचेस पे इस तरह से ये निशान लगा लिया है। तो जब हम ये पट्टियाँ फिक्स करेंगे तो हमें बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सीधी एक्यूरेट पट्टियाँ मिलेंगी। तो इस तरह से लाइन खींच लें, और पेपर लगाने का ये भी फ़ायदा होता है क्योंकि आप नेट पर मार्किंग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने रख लिया है। अब जो हमने ये ट्राउज़र वाला पार्ट है इसके ऊपर रखेंगे, तो ये देखिए जो हमारी ये फर्स्ट मार्किंग है 2 इंच छोड़कर, वो हमें इस तरह से पहले इसके ऊपर सेट करनी है, और जो इसके कर्व्स हैं ये बिल्कुल लाइन पे आने चाहिए, तभी हमें ये 2 इंच का जो हमने कटिंग की थी वो डिफरेंस मिलेगा। तो इस तरह से हमें इस पर सेट करना है, और यहाँ देखिए ये मैं पिन लगा रही हूँ इसीलिए ये सिलाई में बिल्कुल दिक्कत ना हो। ये मैंने एक लगा दिया, अब मैंने इधर सेट किया, ये मैंने एक और पिन लगा दी। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा सेट भी कर सकते हैं,
और वरना इस तरह से हमने ये पूरे अपने बॉटम पार्ट को इसके ऊपर रख दिया है और उस पर हम 3-4 जगह पिन लगा देंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल सिकुड़न नहीं होनी चाहिए, हाथों से सीधा करते हुए। और मैंने पूरा सेट कर दिया, अब हम इस पर स्टिचिंग करना शुरू करेंगे। अब हम कैसे भी रख लें, कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। अब जहाँ से हमारा ये डिज़ाइन शुरू हो रहा है, हमें इसी के ऊपर ऊपर सिलाई चलानी है। ये देखिए कपड़े के ऊपर सिलाई चलाएंगे, स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। और जैसे बहुत धीरे धीरे, जैसे हमने कर्व बनाया था बिल्कुल वैसे ही स्टिचिंग करेंगे इसको, इस तरह से बीच बीच में सेट करते रहें। यहाँ से अब हम घुमाएंगे और आप देखिए बिल्कुल मैंने किनारी पर, बिल्कुल एजेस पे आपको ये स्टिच देनी है। ये देखिए यहाँ आकर फिर मैंने डिप कर दी नीडल को अंदर, और आप देख रहे होंगे जैसे ये हल्का सा अंदर हो रहा है। तो इस तरह से आप नेल से इसको, ये देखिए गोल हो गया। इस तरह से पिन सेट करने से ये लगाना बहुत आसान हो जाता है। और ये देखिए इस तरह से हम अपना पूरा बॉटम इस पर अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इस पर अटैच कर दिया है। अब हमें इसका बॉटम वाला पार्ट इस पर अटैच करना है। तो उसके लिए जो हमने ये सेकंड वाली लाइन थी बनाई थी, इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। और जो हमें ध्यान देना है वो इस बात पर देना है, जैसे ये जो इसका जो मिड वाला कट है, ये देखिए ये आ रहा है, तो आप चाहें तो इस तरह से एक लाइन बना लें और इस तरह से ये कट से कट आपस में मैच होने चाहिए। आप देख रहे होंगे तो इस तरह से इसे मिला के रखेंगे और जो हमारी ये लाइन है इसके ऊपर से ये कर्व सेट करेंगे पहले की तरह। और इस पर भी अब हम पिंस लगा देंगे। इस तरह से थोड़ा सा इधर हो रहा था, उसको पहले सेट कर देती हूँ, सेंटर पार्ट सेट कर लेते हैं पहले। ये मैंने पिन से सेट कर दिया है और अब हम इस पर सिलाई देना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसमें सिलना शुरू करेंगे जहाँ से हमारा डिज़ाइन आ रहा है। और जैसे हमने ये वाला पार्ट इस पे जॉइन किया है, बिल्कुल वैसे ही हमें कर्व पर अपनी मशीन घुमानी है इस तरह से। और मेन फिनिशिंग हमें इसी में चाहिए अटैच करने में, तभी ये दिखने में सुंदर लगता है। और थोड़ा सा पेशेंस का काम है। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने ये इस तरह से ये अटैच कर दिया लोअर पार्ट भी। अब हमने पिंस भी रिमूव कर दी हैं और अब हमें, हाँ पहले हम ये पेपर हटा देते हैं, सिर्फ बीच का हटा रही हूँ। ध्यान से कट करिएगा, पीछे इसमें नेट भी है। इस तरह से अब हम इसे फाड़ के हटाएंगे। सिर्फ हटाने का पर्पस ये है, बीच से काफ़ी ये मोटा हो रहा है फोल्ड करने में, क्योंकि अभी हमें किनारे की स्टिच देनी है। ये
ये देखिए इस तरह से ही मैंने हटा दिया है। अब हम अपने बॉटम पार्ट में जो हमने तो ये जो बॉटम पार्ट था हमारा वो हमें फ़ोल्ड करना है बैक साइड में। तो ये देखिए ये इस तरह से हम इसे बैक साइड में फोल्ड करेंगे। तो इसे मैंने इस तरह से हाफ़ फोल्ड किया और हाफ़ फोल्ड करने के बाद जो हमारा ये मार्जिन है जितना हमें ये फ़ोल्ड करना है, ये देखिए ये मैंने निशान लगा रखा है, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर एक सिंपल स्टिच देंगे। इस तरह से फोल्ड करते रहेंगे और जो मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग इसे इस तरह से हम पूरी स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने स्टिच कर दिया है बॉटम पार्ट बैक में। अब जो हमने ये एक्स्ट्रा नेट दिख रही है कपड़े से एक्स्ट्रा, ये हमें इस तरह से कट करनी है। तो ये एक्स्ट्रा हमने कट करके हटा दी, इधर से भी ऐसे ही करेंगे। अगर एक्स्ट्रा है तो उसे कट करके थोड़ा सा क्लीन कर लें। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से बीच में फोल्ड करना है, बिल्कुल सेंटर में, और जितना आपको पाउचर रखना हो। यहाँ पर मैं 6 इंचेस रख रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगाया। ये 6 इंचेस पे मैंने निशान ले लिया और इसे अब हम बिल्कुल किनारी से किनारी मिलाएंगे। विजिबल ना हो तो आप पेपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा हटा दें, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारा मैच करना चाहिए इस तरीके से, और नीचे वाला बॉटम पार्ट भी आपस में इस तरह से मैच करना चाहिए। तो सेंटर से बिल्कुल फोल्ड करें और यहाँ से अब हम इसे स्टिच देंगे और इस तरह से हल्का सा स्लैंट जाएगा और ऊपर आते आते ये इसकी जो यहाँ पर चौड़ाई है ये देखिए 1/2 इंच के आसपास है, ऊपर आकर ये देखिए इसी तरह से हल्का स्लैंट जाते हुए ये हम इसे 1/4 इंच के आसपास कर देंगे और इसे हम आसन तक बिल्कुल सीधा सिलेंगे। अब हम स्टिच करना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा पक्का करते हुए और ऊपर आते, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है और ऊपर आते आते हम इसे थोड़ा सा कम करेंगे और नीचे का ध्यान रखें, ये जो आपके कर्व्स बने हुए हैं इसे इस तरह से मैच करके रखें। और ये हम पूरा स्ट्रेट चलते रहेंगे और ये देखिए ये आसन को आसन से इस तरह से मैंने मिला के पकड़ रखा है और इसे इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। एक आसन मैंने पहले से रखा है इधर वाला, तो यहाँ से लाकर हमने इसे मिला दिया और इसके बाद हम एक पक्की स्टिच दे देंगे इसमें और ये जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे हम ये हटा देंगे सारा, रिमूव कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स पेपर मैंने रिमूव कर दिया है और सीधा होने के बाद इसका लुक कितना शानदार है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये और पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगेगा। थोड़े बहुत जो पेपर हैं उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये धोने से निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ये दोनों पाउचे अपने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये दोनों पाउचे हमारे बिल्कुल बनके मोरी तैयार है और ट्राउज़र का लुक ही चेंज हो गया है बनाकर। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, डिज़ाइन कुछ अलग लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ में दिए हुए रेड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर इट और बहुत जल्द मैं नए वीडियो के साथ फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।